सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेट से डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एवरी डे वो नाइन आवर्स रेस्ट लेता है अगर नाइन आवर्स रेस्ट लेगा तो वो कितनी देर तक ट्रेवल करेगा ट्वेंटी फोर माइनस नाइन ट्वेंटी फोर माइनस नाइन और लेट से उसकी स्पीड एस है ठीक है और, और रवि इसको टोटल फोर्टी डेज में ट्रैवल कर लेता है क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन में ये कह है, वो 9 के बदले, अब ये, 18 ये कैसे आएगा ट्वेंटी फोर माइनस एटीन क्लियर है बच्चों और उसने स्पीड को भी क्या कर दिया डबल कर दिया अगर इनिशियल स्पीड एस थी तो फाइनल स्पीड कितना है तो आपसे पूछ रहा है कि कितना दिन लगाएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में तो इस तरह के क्वेश्चन को आप नॉर्मल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हो उसका फंडा तो यहां पे टोटल आपको इनिशियल डेज गिवन था और आपको फाइनल डे निकालना है तो सबसे पहले डेज से स्टार्ट करो जो आपको निकालना है तो क्या लिखोगे फोर्टी डेज क्लियर है बच्चों और मल्टीप्लाई करके एक एक फैक्टर को देखने की कोशिश करो कि वो डे पे क्या इंपैक्ट डालेगा इनिशियली डिस्टेंस डी था और फाइनल डिस्टेंस टू डी हो गया है तो डे पे कैसा इंपैक्ट आएगा डबल हो जाएगा से सो इंक्रीज होगा आप उसको कैसे दिखाओगे डी बाई टू डी से मल्टीप्लाई करोगे टू डी बाई डी से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियस बात है अगर d बाई टू डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होकर फैक्टर देगा 1 by 2. तो अगर d में 1 by 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कम जाएगा लेकिन रियल टर्म्स में ये d होगा तो सिंपली आप क्या लिखोगे टू डी बाई डी अब आपने एक टर्म्स को फैक्टर इन कर लिया कंसिडर कर लिया अब दूसरे टर्म पे आओ इनिशियली वो 15 आवर्स के लिए ट्रैवल करता था और फाइनली वो 6 आवर्स के लिए ट्रैवल कर रहा है मतलब वो कम ट्रेवल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डे पे क्या टाइम लगेगा इंक्रीज होगा डे अगर लेट से आप रोज दिन चार घंटे काम करते थे पहले और रोज अब दो घंटे काम करना शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी ऑबियस आपका डे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे भी आवर्स वो इनिशियली ट्रेवल करता था अब सिक्स आवर्स ट्रेवल कर रहा है तो टाइम क्या होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेज में फिफ्टीन बाई सिक्स फैक्टर से क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अब स्पीड को देखो आपने इसको भी कंसिडर कर लिया स्पीड क्या था इनिशियली एस फाइनल स्पीड क्या हो गया है टू एस तो अगर आप स्पीड डबल करोगे तो डे पे क्या असर होगा बात है, तभी तो ये एस से एस कैंसिल हो जाएगा और वन बाई टू से मल्टीप्लाई होगा और किसी भी नंबर में लेस देन वन से मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टर क्या होता है कम होता है तो आप क्या लिखोगे यहां पे बच्चे एस बाई टू एस यहां से डे से डे कैंसिल ये एस से एस कैंसिल होगा सिंपली तो आपको आंसर क्या मिलेगा फोर्टी डेज इंटू ये टू इंटू फिफ्टीन बाई सिक्स और इंटू वन बाई टू ये टू से ये टू कैंसिल ये थ्री से टू और ये थ्री से फाइव और ये टू से ट्वेंटी सो so, आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा बच्चों ट्वेंटी इंटू फाइव यानी हंड्रेड डेज क्लियर है सो so, आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर